20 मिनट पे निंदा पाली और उन्होंने हमें शाम 6 बजे बताया था। हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया और ना ही किसी को कॉल की उन्होंने, हमने नंबर दे रखे थे, ना कॉल की ना ही उन्होंने हमें बताया। आप सुबह किस टाइम गई थी हॉस्पिटल? मैं तो वहीं पर हूँ। अच्छा, तो सुबह जब 7:20 में इंतकाल हुआ तो आप शाम में उनसे मिलने आईसीयू में गई जी, तो वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ कुछ नहीं हुआ, उन्होंने गार्ड से मैंने कहा कि 3 नंबर बेड पे जाना, तो उन्होंने कहा कि वो 3 नंबर वाला तो चला गया। मैंने कहा कहाँ गया बताइए आप, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया, बोले डॉक्टर बात करेंगे आपसे। डॉक्टर आई नहीं, बहुत देर में खड़ी रही, फिर बोले कि अपने घर से जेंट्स को बुलाओ। तुरंत मैंने आकर अपने भाई को फोन किया और अपने बेटों को फोन किया, वो तुरंत ही यहाँ से चले गए। तभी उन्होंने इन्हें बताया कि उसका सुबह 7 बजे इंतकाल हुआ, 7:20 पे, और हमें उन्होंने रात में बताया। तो आपको इत्तला कब मिली, शाम के? जी शाम के 7:06 इत्तला मिली है। इस वक्त यासिर के घर शाहीन बाग में हूँ, जिसकी 4 तारीख को चाकू मार कर हत्या करने की कोशिश की गई थी और आज उसका इंतकाल हो गया। यासिर हमारा भाई आज हम लोगों के बीच में नहीं है, परिवार के बीच में नहीं है, उनकी माँ है, उनके दोस्त है, उनके नाना है, ये सगे भाई हैं, इन सब को छोड़ के यासिर चला गया। आपको कैसे पता चला कि इंतकाल हो गया? डॉक्टर ने बताया। कब बताया? अभी बताया, करीब 7 बजे, सुबह 7 बजे इंतकाल हुआ था, शाम 7 बजे बताया डॉक्टर ने। घर वालों का कहना है कि सुबह इंतकाल हुआ और डॉक्टर ने इनको शाम में खबर दी कि इंतकाल हो गया। जो भी है, हम तमाम लोग यासिर के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे और ये इलाका क्राइम से मुक्त हो, इसके लिए भी दुआ करते हैं। यासिर का जनाजा मुरादाबाद में इनके आबाई जगह पे होगा। आप तमाम लोगों से शिरकत की गुजारिश है, बाकी जनाजे के बाद कल शाम में हो सकता है। हम अपने ऑफिस में कुरान खानी रखेंगे, ओखला के तमाम लोगों से गुजारिश है कि कुरान खानी